इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तालिबान ने अफगानिस्तान के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अब अफगानिस्तान के पामीर कोर शहर में भी घुस चुका है और काबुल अब उससे सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पामीर कोर में अफगानिस्तानी सेना के आर्म्स डिपो पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये वीडियो उस वक्त का है जब तालिबान के ने पामीर कोर शहर के आर्म्स डिपो पर कब्जा कर लिया। हेलीकॉप्टर और बड़ी तादाद में हथियार तालिबान के कब्जे में आ चुका है। ये वीडियो तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। तो एक आर्म्स डिपो जो है वो अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है और ये वीडियो आप जो देख रहे हैं पामीर कोर शहर का है, जहां पर ये आर्म्स डिपो है और अब ये पामीर शहर भी तालिबान के कब्जे में आ चुका है। लगातार तालिबान तेजी से काबुल शहर की तरफ बढ़ रहा है और इस कड़ी में अब पामीर जो शहर है वो भी तालिबान के कब्जे में आ चुका है और काबुल सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर उससे रह गया है। पामीर कोर शहर में भी वो घुस चुके हैं। पामीर कोर शहर में एक सेना का आर्म्स डिपो है, वो भी अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। अफगानिस्तान से तालिबानी कब्जे की हैरान करने वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हथियारों का ये जखीरा देखिए, ये अमरीकी सेना के हथियार हैं। तालिबान ने इन पर कब्जा कर लिया है। इन हथियारों का इस्तेमाल अमरीका की सेना तालिबान के खिलाफ करती थी, लेकिन अब ये सब तालिबान के कब्जे में है। तालिबान के कब्जे में एमआई हेलीकॉप्टर भी है। ये वीडियो उस वक्त का है जब तालिबानियों ने एमआई हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। ये हैंगर्स में खड़े हुए हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, एमआई हेलीकॉप्टर, ये अब तालिबान के कब्जे में है और ये वो हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका इस्तेमाल करता था कुछ वक्त पहले तक। इससे बहुत सारी कार्रवाइयां अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ की हैं, लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर्स तालिबान के कब्जे में हैं और अब इनकी मदद से तालिबान जो है वो अपनी ताकत को और बढ़ाता जा रहा है। ये एक हैंगर में खड़े कई सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं जिन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। कंधार के गवर्नर ऑफिस में भी तालिबान घुस चुके हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ऑफिस में तालिबान घुसे। कंधार पर कब्जा करने गया तालिबान गवर्नर के ऑफिस में भी अब घुस चुके हैं। कंधार के का ये गवर्नर ऑफिस है जिसमें तालिबान अब दाखिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच जारी जंग के बीच भारत को लेकर तालिबान का पहला बड़ा बयान सामने आया है। एक भारतीय न्यूज एजेंसी से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी देश के दूतावास या उसके कर्मचारियों को तालिबान से कोई खतरा नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट किए हैं जिसका इस्तेमाल अफगान के लोग करते हैं उन्हें तालिबान कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर भारत यहां अपने सैनिकों को भेजेगा तो उसे भी वही देखना होगा जो अमरीका समेत दूसरे देशों के सैनिकों को देखना पड़ा या उनके साथ जो कुछ हुआ वही भी भारत के सैनिकों के साथ भी होगा। And among the diplomatic community, most of the countries, including India, are evacuating. How do you see Indian interests? Because India has done so many projects, so many developmental projects in the region. Tomorrow, if Taliban comes to power, what will happen to them? There is a fear in New Delhi that all that will go back, you know, to ages if Taliban comes. To diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat, that we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment that has been published already. It is in media. हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने
सुहेल शाहीन का बयान भी दिखाया और उस डिपो की तस्वीरें भी दिखाई जो अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। जो हथियार अमेरिका इस्तेमाल करता था वो अब सब कुछ तालिबान के कब्जे में है। अब जो इंडियन इंटरेस्ट है वो एक बड़ा मसला है। भारत अब इस पूरे मसले को कैसे देख रहा है ऐसे वक्त में जब तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि और एक तरह से वो तारीफ कर रहे हैं भारत के कामकाज की जो भारत ने अफगानिस्तान में किया है। अब भारत किस तरीके से अफगानिस्तान के मसले को देख रहा है? हुसैन, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि जब तालिबान की तरफ से कहा गया लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्रेंच एलिमेंट इस समय अफगानिस्तान के अंदर है वो उनके ऊपर किसी की नहीं चल रही। कतर यानी दोहा तालिबान जिसमें बिरादर गनी बिरादर हैं जो उनके डिप्टी पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उसके अलावा सुहेल शाहीन खुद जो उनके एडवाइजर हैं, इनकी बात जो ऑन ग्राउंड इस समय अफगानिस्तान का तालिबान है वो नहीं सुन रहा है ऐसा दिखता है। क्योंकि गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसी कोई चीज नहीं है, तालिबान तालिबान है, उसकी एट्रोसिटीज और नंबर ऑफ एट्रोसिटीज की संख्या इस समय अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। अब भारत के संदर्भ में जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है उनसे बात हुई कि दरअसल एक ट्रस्ट डेफिसिट है, तालिबान के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है और ये संभव नहीं है क्योंकि एक तरफ जहां एट्रोसिटीज की बात है तो वहीं दूसरी तरफ वो बड़े लगातार ऑपरेशंस कर रहा है, 17 प्रोविंसेस के ऊपर उसने अब हावी कर रखा है अपने आप को और उसके अलावा वो काबुल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये अभी का सिनेरियो है जिसमें कहीं से भी भारत तालिबान के ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है ऐसा मेरी समझ कहती है। और जो इस समय और एक हैरान करने वाली तस्वीर मनीष हमने ये भी देखी जब कंधार में गवर्नर हाउस में तालिबान घुसे तो उनको किसी तरह का रिटेलिएशन कोई बहुत खास फेस वहां नहीं करना पड़ा। क्या इस तरह की सिचुएशन हर तरफ है और ज्यादातर जो फोर्सेस है अफगान फोर्सेस क्या वो बिल्कुल से सरेंडर कर दे रही है? इस पर भी हम बात करेंगे। एक बयान जरा और सुनवाते हैं हम जरा दर्शकों को, फिर आपके पास लौट के आएंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में जो हिंसा हो रही है उस पर भी सफाई दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि उसके लड़ाके हिंसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रांतों पर कब्जे कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में उतनी हिंसा नहीं हो रही है जितनी मीडिया में दिखाई जा रही है। Shaheen, we are seeing that Taliban is taking over more and more territories and there is a lot of violence. How do you react to this and why such violence is taking place and do you condemn the violence? We are taking the prevention centers in districts in areas falling to us, but they are falling voluntarily. To us, you can see the videos of hundreds and thousands security forces of the Kabul administration. They are coming to our side in joining us. That is true, but they are not because of violence. It is claimed violence or killing of innocent people. Which is being carried out by the Kabul administration, we condemn that. So that is not our policy. Why we should tell our people or increase violence? It is contrary to our policy. But there is a lot of propaganda showing that there are violence and the increase in violence. That's not true. तो सुहेल शाहीन ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी ज्यादा फैलाया जा रहा है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े। मनीष, जब आप अफगानिस्तान के दौरे पर थे तो काबुल के अलावा आपने कहां कहां और दौरा किया था ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए और ये बताइए कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज जो है क्या तालिबान को लेकर के उनके मन में भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर अपने बातचीत में आपने पाया था? क्योंकि बार बार ये हम सुन रहे हैं सुहेल शाहीन से भी कि अफगान फोर्सेज भी उनके साथ आ रही हैं धीरे धीरे। हुसैन, पहले तो अफगानिस्तान की डेमोग्राफिक एरिया समझना जरूरी है, खासतौर पे जो एडजॉइनिंग बॉर्डर है जिसमें ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और ईरान और उसके अफगानिस्तान और साथ में पाकिस्तान का बॉर्डर है। दरअसल इस एरिया में जो ट्राइबल सिस्टम है वहाँ की लोकल पुलिस ट्राइबल के हिसाब से है और ट्राइब्स के हिसाब से है और यही वजह है कि तालिबान जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा तो वैसे वहां के लोगों ने क्योंकि ट्राइबल इंक्लिनेशन होने की वजह से उस एरिया को स्पेस दिया और इसीलिए सबसे पहले स्पिन बोल्डाक गिरा और उसके अलावा जो बाकी के एरियाज हैं वो गिरे। अब जब आप एडजॉइनिंग एरियाज देखेंगे तो मैं खुद वहां पर हिरात, कंधार, साथ में मजार शरीफ, पंशीर और पगमान के एरियाज में था और ये हाईली डोमिनेटेड एरिया है।
जिस समय वहां पर था उस दौरान भी तालिबान लगातार आगे की तरफ मार्च कर रहा था। हुसैन, एक और बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कहा कि अफगानिस्तान फोर्सेस क्या सरेंडर करती जा रही है, इसमें ट्राइब सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। और जो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कैप्चरिंग की बात है, तो वहां पे 600 से 700 की संख्या में या मैक्सिमम 800 से 1000 की संख्या में एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाता है। यहां के डिस्ट्रिक्ट की तरह वहां का डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और तालिबान के बिल्कुल सेट मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी है, वो आता है वहां पे थोड़ी फाइट होती है, उसके बाद वो अपना झंडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रखता है। जो आपने तस्वीर देखी गवर्नर हाउस की और साथ में उस ऑफिस की, दरअसल वहां पे भी यही हुआ। मिला के पूरी दुनिया के लिए अगर बहुत चिंता की बात मनीष है, तो हिंदुस्तान के भी बहुत सारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है और हमारे लिए भी बहुत सारी फिक्र की बात है, और इसीलिए हम अपने तमाम लोगों को वहां से निकाल भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की कुछ और तस्वीरें आई हैं, ये कुछ और वीडियो भी हम आपको उससे जुड़े दिखाएंगे। ये वीडियो उस वक्त का है जब तालिबान वर्दाक इलाके में घुसा, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना से हेलीकॉप्टर कब्जा करने के बाद उसे हवा में उड़ाया और उसका वीडियो भी बनाया। तालिबान बड़ी तादाद में अफगानिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमा चुके हैं और उन्हीं में से एक की ये तस्वीरें। तालिबान जिस रफ्तार से अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा, उससे राजधानी काबुल अब ज्यादा दूर नहीं है। अफगानिस्तान के 34 में से 19 प्रांत तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं और तालिबान अब राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने आपको दिखाया कि पामीर शहर का जो आर्म्स डिपो है वो भी उनके कब्जे में जा चुका है। ये हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, ये अब तालिबानियों के कब्जे में है और तालिबान इसे उड़ा रहे हैं और उसका बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाया है। और हैरान करने वाली बात ये भी है कि तालिबान जो है हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी ट्रेंड है। ये सारी ट्रेनिंग उनको आखिर कब और कैसे मिली, किसने दी, ये सारे सवाल भी हैं। और अब उन राज्यों के बारे में भी जान लीजिए जहां जहां तालिबान कब्जा कर चुका है। सरेपुल, तखार की राजधानी तालिकान और कुंदूज तालिबान के कब्जे में आ चुका है। समंगन की राजधानी ऐबक, फरा और बगलान की राजधानी पुले खुमारी, ये तालिबानियों के कब्जे में है। बदख्शन, गजनी, हेरात, बदगिश, राजधानी कलाए नौ और कंधार भी अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में अब नहीं रहा। हेलमंद की राजधानी लश्कर गाह, गोर, उरुजगान, जाबूल, लोगर, पक्तिया, निमरोज, जवजान जैसे जो इलाके हैं वो भी अब तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अफगानिस्तान पर बढ़ते कब्जे के बीच तालिबान ने राष्ट्रपति अशरफ गनी से पद छोड़ने के लिए कह दिया है, लेकिन राष्ट्रपति गनी पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अशरफ गनी ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की और कहा कि तालिबान से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। तालिबान के बढ़ते कब्जे की वजह से अमेरिका ने अपने काबुल दूतावास से कर्मचारी कम करने का फैसला किया है। ब्रिटेन भी अपने कर्मचारी कम करेगा, लेकिन रूस का कहना है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।